हेलो माय डियर स्टूडेंट, जॉनटेक के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी का सिलेक्शन हो। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में हम एक अजीब सा प्रेशर महसूस करते हैं, अजीब सा स्ट्रेस महसूस करते हैं। उस स्ट्रेस को दूर करना आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य है कि आपको एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस आ भी रहा हो तो उसको हम दूर किस तरह से करेंगे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इस एग्ज़ाम की तैयारी में, जो एग्ज़ाम आपका अभी 2-4 दिन में होने वाला है, इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपने अपना 100% देने की कोशिश की है। आपने लगभग पूरे साल भर हार्डवर्क किया है। आपको जो भी नोट्स मिले थे, जो भी नोट्स आपको क्लास में लिखाए गए थे, सभी नोट्सों को आपने अच्छे से पढ़ा है। जो भी टेस्ट सीरीज थी क्लासरूम टेस्ट सीरीज थी, और जो मेन टेस्ट सीरीज जो आपकी चली थी, उन सभी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुत अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे कुछ याद ही नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है। ये एग्ज़ाम फोबिया है, ये सबके साथ होता है, लेकिन हमें नहीं लेना है स्ट्रेस। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो एग्ज़ाम के टाइम में हमें भी एग्ज़ाम फोबिया होता था, लेकिन धीरे धीरे हम भी सीखे कि एग्ज़ाम फोबिया से दूर निकलना है बच्चों। और एग्ज़ाम फोबिया से जो दूर निकल गया वो सिलेक्शन की तरफ पहुंच जाता है। एक्चुअली क्या है, हम बैठ के क्या सोच रहे होते हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं सोच रहा हूँ बैठ के आँख बंद करके, सर सिविल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी मुझे याद होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके दिमाग में एक साथ पूरी नहीं आएगी। लेकिन जब हम मेन एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन होता है और क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, तो क्वेश्चंस के माध्यम से हमें ऑटोमेटिक याद आता रहता है। इसलिए उस स्ट्रेस को तो बिल्कुल नहीं लेना है जो आप अभी सोच रहे थे कि पूरा सिविल इंजीनियरिंग तो मुझे याद नहीं है। ऐसे सब कुछ याद नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आता रहेगा। और जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो वो एग्ज़ाम 2 घंटे का है, मतलब 120 मिनट का है। उन 120 मिनट में आपको मोटिवेट रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस में हम कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चन को सही या गलत कर देते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं उन क्वेश्चंस को लेकर, हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से ऑप्शंस को। और अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेशन में हमें बड़ी दिक्कत होती है, तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट क्यों ना हो आप कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपने इतनी मेहनत की है, नोट्सों को अच्छे से पढ़ा है, टेस्ट सीरीज को अच्छे से दिया है, तो आप कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, उन 120 मिनट में जो आपके एग्जाम की होने वाली हैं उनमें आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको ये सोच के बैठना है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही, और होगा आपका सिलेक्शन क्योंकि आपने तैयारी इतने अच्छे से की है। इस स्टडी के दौरान जो आपके फैकल्टी मेंबर हैं, कंटेंट डेवलपर हैं, जॉनटेक की R&D टीम है, जिन्होंने इतना अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया कराया, इतने अच्छे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई, उन सभी को मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी के अथक प्रयासों से आप इस मुकाम पर पहुँचे हो कि किसी एग्ज़ाम को अभी क्रैक करने वाले हो। उन्होंने बहुत मेहनत की, R&D टीम ने बहुत मेहनत की। जैसा कि अभी हमने जो एग्ज़ाम बूस्टर नाम से बुक लॉन्च की थी, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, और उस फीडबैक की वजह से हमें और अच्छी बुक बनाने की प्रेरणा मिलती है, और अच्छी बुक हम बनाने की कोशिश करेंगे। जो अभी जो नए एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए हम नई नई अच्छी अच्छी बुक मार्केट में लेके आएंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से बूस्ट कर पाएं। इसी दौरान जब आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज हमने जो लॉन्च की थी, उस टेस्ट सीरीज का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को उस टेस्ट सीरीज का फीडबैक बहुत बहुत अच्छा दिया है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हार्ड पेपर हो गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। ये इन क्वेश्चनों को बनाने का हमारा ही उद्देश्य था। एक्चुअली आपको मालूम है कि RSM SSB ने पहली बार नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया है, और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने के कारण आप और हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा या फिर बेसिक लेवल रहेगा या फिर हार्ड रहेगा। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज को बेसिक लेवल से लेकर और हार्ड लेवल तक बनाने की कोशिश की है। हर टेस्ट सीरीज में हम 25 से 30 क्वेश्चन नए क्वेश्चन फ्रेम करके डालते थे, जो R&D टीम हमारी काम करती थी। अब आपको क्वेश्चन कभी कभी हार्ड लगे होंगे, क्यों हार्ड लगे होंगे? हमारा सोचने का तरीका यह है कि सर हमें देखे दिखाए क्वेश्चन मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नए क्वेश्चन फ्रेम मिलने चाहिए, हम नए क्वेश्चंस के बारे में अपना दिमाग लगाना चाहिए, हम अपने कंसेप्चुअल स्टडी पर ध्यान देना चाहिए।
हमने अपने कंसेप्चुअल स्टडी पर आपने ध्यान दिया, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। हमारा आरएनटी टीम से डायरेक्ट रिक्वेस्ट थी कि नए क्वेश्चन फ्रेम करके बच्चों के सिलेबस, बच्चों के पेपर्स में डाले जाएं, जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से बूस्ट कर पाओगे और नए कंसेप्ट आसानी से सीख पाओगे। और जो हमने रिजल्ट देखे हैं बच्चों के, जो टेस्ट सीरीज के रिजल्ट हैं, उनमें ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब रैंक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रही। जब आप मेन पेपर दोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर टेस्ट सीरीज हमें बहुत फायदेमंद रही थी, आपका स्टडी मटेरियल हमें बहुत फायदेमंद रहा था, आपकी क्लासरूम का स्टडी मटेरियल हमें बहुत फायदेमंद रहा था, जिससे कि हम पेपर को इतना अच्छे से कर पाए। और एग्जाम के लास्ट दिनों में जो आप गलतियां करते हो, क्या गलतियां करते हो कि सर हमें एक नई बुक मिली उसको मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप जॉनटेक की 5300 वाली बुक कर रहे हो, एग्जाम बूस्टर कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 5000 वाली बुक कर रहा है, या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉनटेक की कोई बुक कर रहा है, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट की बुकों को आप क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो अब आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब आप उसी बुक को रिवाइज करोगे, ना कि नई बुक के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे, उसी बुक को आप रिवाइज करोगे और बार बार उसी को रिवाइज करना है। किसी इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि एक बुक को, एक सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लें, जिससे कि हम उस बुक से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएं। अब ऐसा नहीं है कि सर ने कहा था कि एक बुक को 10 बार पढ़ लें, एक बुक को 10 बार पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बुक थी उसी को मैंने 10 बार पढ़ लिया, ऐसा हम उसकी बात नहीं कर, हम बोले पूरे सिलेबस की, जो एक एक बुक आपने सेलेक्ट की, या फिर आपके पास नोट्स थे, या फिर एक ऐसी बुक थी जिसके अंदर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पूरे सिविल इंजीनियरिंग या पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उस बुक को बार बार करने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप, जॉनटेक आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए जॉनटेक आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ रहेगा, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, जॉनटेक की टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। फिर भी कोई तनाव आता है तो आप जॉनटेक के फ़ोन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जो भी तनाव आएगा, मेरी फैकल्टी मेम्बर, मेरे स्टाफ, मैं आप उस तनाव को दूर करने की आपकी कोशिश करेंगे। जितनी भी कोशिश हो सकती है, हर कोशिश, हर अथक प्रयास हम आपके तनाव को दूर करने के लिए करेंगे। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, उस तैयारी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अंतिम शब्दों में बस यही कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, आप सभी का सिलेक्शन हो, आपके माता पिता का सपना साकार हो, और आप मुझे ये मौका दें कि मैं आपको अवार्ड दे पाऊँ। आपको अवार्ड तभी मिलेगा तब आपका सिलेक्शन होगा, तो अवार्ड सेरेमनी में आप इस लायक बन के आएँ कि आप स्टेज पर आएं, और स्टेज पर आने के लिए आपका, आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, और सेलेक्ट होने के लिए आपको तनाव को मेंटेन करना पड़ेगा, और तनाव को मेंटेन करोगे तो 120 मिनट जो आपके पास होने वाली हैं अभी, जो 120 मिनट जो आपको समय मिलेगा, उसमें जितना अच्छा आप परफॉर्म करोगे उतना ही सिलेक्शन की सियोरिटी आपकी बढ़ने वाली है। तो इसलिए लास्ट में फिर मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। थैंक यू।